गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? वेरी गुड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट हमारा मैथ। मैथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो नंबर देख के काउंटिंग देख के समझ गए होंगे कि मैथ का वर्क करना है, बट करना क्या है समझ में आ रहा है कुछ? इधर भी काउंटिंग लिखी हुई है नंबर, इधर भी काउंटिंग लिखी हुई है नंबर, लिखे हुए ना। आज हम वर्क करेंगे मैथ द सेम नंबर। सेम नंबर को एक दूसरे से मैच करना है, मिलाना है। यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 7। इधर 5, 4, 7, 6, 2, 1, 3। काउंटिंग सही से नहीं है बीच में से, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो नंबर है इनका जो सेम नंबर दिख रहा है उनसे मैच करना है। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्या हमारा 1। अब हमें इस रो में देखना है 1 है कहाँ, जो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है सेम। देखो इधर लुक, ये तब इसको हम इससे मैच करेंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाए ना। अब नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 2। क्या है 2? इस रो में देखेंगे 2 कहां पे है, दिखाई दे रहा है इसके जैसा 2 कहां है? इधर। तो इसको इससे मैच करेंगे, मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 3। अब इस रो में देखेंगे 3 किधर है, इस रो में देखेंगे 3 किधर है? देखो देखो इसके जैसा कहाँ है? इधर। अब इसको इससे मैच करेंगे, है ना इसी पर? बिल्कुल, जो नंबर इधर दिया हुआ है उनके जैसा नंबर उस रो में है, उससे हमें सेम मिला है, सेम नंबर से। अब नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 4। इस रो में 4 कहाँ है? यहाँ। अब इसको इससे मैच करेंगे, मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। देखिए 5 कहाँ है? 5, ये 5 क्या ये है? 9 ये है ना, तो इसको इससे मैच करेंगे, मिलाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 6। क्या है नंबर 6? इस रो में देखेंगे 6 का है हमारा इधर, तो इसको इससे मैच करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या बच गया हमारा 7। अब इस रो में देखिए एक ही नंबर बचा है, सारे मैच हो गए, एक ही बचा है ना, और इसके जैसे दिख भी रहा है, सेम सेम दिख रहा है ना, तो इसको इससे हम मैच करेंगे। आई होप सबका क्लियर हुआ। मैच द सेम नंबर, जो नंबर यहाँ पे दिए हुए उनके जैसा जो सेम नंबर है उससे हमें मैच करना है। ओके, आपकी नोटबुक में दिया हुआ है।